हम सब तैयार हैं और जा रहे हैं घूमने की ओर। कहाँ जा रहे हैं? जलंधर। और दीदी आगे हैं, जिया जी नहीं जा रहे हैं, वो हमें बाय कर रहे हैं। और भाई और बच्चे सब गाड़ी में वेट कर रहे हैं हमारे। तो हम गए निकल। हमारी भाभी बातें के लिए चाहिए है और हम लोग कर रहे हैं। शेरी को तो इतनी शर्म आती है ना भाई, शेरी तो बात तो कर ले। हाँ, तो बातें तो कर ले। हाँ। मेरी भी उससे बात तो कर सकती है ना, पर ले क्या कर? कुछ तो बता, कुछ बता। क्या बताऊँ भाई, हमारी शीर के पास कुछ भी नहीं बताने के लिए। तो फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं जलंधर की ओर और वहाँ पर हम मस्ती करने वाले हैं और जो जो करेंगे वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और चलो फिर चले। भैया इतनी दूर जाना था तो पेट्रोल भी डलवाना था, भाई ने पेट्रोल भी डलवा लिया। तो हमारा थारिश बोर होने लग जाता है एक मिनट में और शरारते शुरू है इसकी। वो बॉटल झेड़ रहा है, कभी कुछ झेड़ रहा है। ये है हमारी हरियाली पंजाब की और मौसम देखो इतना अच्छा हुआ है। आसमान में काले बादल और बहुत अच्छा लग रहा है। रास्ता सफर बहुत अच्छा निकल रहा है। थारिश क्या हुआ था? नहीं नहीं, दिल टूट गया था थारिश का है थारे? और क्या? फिर कैसे जोड़ा था? सुपर ग्लू से दिल जोड़ा था। एक बार थारुष का दिल टूट गया था क्योंकि इसका डॉगी हमने किसी को दे दिया था। उसका दिल बहुत टूट गया था, फिर उसने अपना दिल जोड़ा था सुपर ग्लू से। देख लेना, अगर किसी का भी दिल टूटे ना तो सुपर ग्लू खरीद लेना। तो सबसे पहले हम लोग चले वहाँ पर गए जहाँ पर भाई ने फर्नीचर के लिए ऑर्डर दिया था। तो वहाँ हमें वो बंदा फैक्ट्री में लेकर जा रहा था कि हमारा कितना फर्नीचर बना है ये देखाने के लिए। तो रास्ता इतना ख़राब सा था यार, पता नहीं किस तरह का था। तो और जब हम वहाँ पहुँचे तो सोचिए हमने क्या देखा। देखिए आप, सबसे पहले तो भैया मैं इनका वो मतलब जो फैक्ट्री है वो देख कर हैरान रह गई। मुझे तो वो कोई ना खंडर लग रहा था, मतलब पुराने भूतिया महल टाइप का। तो भैया हमें वो लेकर गया दिखाने के लिए कि भैया ये देखो आपका इतना फर्नीचर बना। और वहाँ जाके हमने जब देखा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो तीन ढांचे बने हुए थे सोफे के बस। और ये एरिया देखकर तो मेरे को ऐसे डर सा लग रहा था कि यार ये कहाँ ले आया हमारे को। और वहाँ जब फर्नीचर के नाम पे देखा तो भाई भाई को भी बहुत गुस्सा आया, इसने किया क्या हुआ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ हुआ और भाई को शिफ्ट करना। तो भाई हमारे को फैक्ट्री में तो तैयार कुछ मिला नहीं, भाई को भी गुस्सा आया, अभी तक माल उसका जो भी हमने बनवाया तैयार नहीं किया हुआ। तो अब उन्होंने बताया कि शायद बेड वगैरह तैयार है तो वो शॉप पर ही है, तो अब हम वो देखने जा रहे हैं। तो भाई फिर हम पहुँचे शॉप पे, तो वहाँ देखा हमने कुछ एक तो सामान तैयार था तो थोड़ी संतुष्टि हुई, पर फिर भी उसमें काफ़ी कुछ था कि अभी इनकम्प्लीट था। तो भाई अभी हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। फिर हम ऊपर उसकी शॉप पर आ गए और फिर वहाँ पर हमने बहुत सारी उसकी बनी हुई भी फर्नीचर देखे जो उसने सेल के लिए रखे हुए थे। फर्नीचर तो खैर इस बंदे ने अच्छे बनाए हुए थे। तो फाइनल जब हमारा आउटलुक आएगा, यानी फाइनली जब हमारे को देगा हमारा सामान, तब हम कहीं भी शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर निशा की शॉप पर आई। सबसे पहले तो मुझे ये निशा बहुत प्यारी लगी। आजा, इसको शर्म आ रही है। नीजा बहुत अच्छी लगी उसने, अभी उसे बहुत शर्म आ रही है, नहीं दे रही है। पर मैंने उससे बहुत सारी ड्रेसेस ले ली हैं, तो ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं और इनके कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। तो ये है जलंधर में, है ना? तो जलंधर में अगर कोई आप लोगों में से मेरा कोई व्यूअर हो तो मैं उसे बता देती हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं जो कि मुझे भी पसंद आई हैं। आप मेरे आने वाले व्लॉग्स में देखने वाले हो कि मैंने कौन सी ड्रेस यहाँ पर ली है। तो आप मुझे डीएम कर सकते हो तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से ले सकते हो आप। बहुत मजा आया, यही भाभी ने दिलाई मुझे ड्रेसेस, मुझे बहुत थैंक यू। शॉपिंग करते करते आ गए मैक्स में और मैक्स से हम लोगों ने कुछ भाई को सामान लेना था, क्रोमा से। और अभी यहाँ भाई को कुछ सामान लेना था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो हम ये सब देख रहे हैं यहाँ पर। और काफ़ी कुछ है मतलब देखने में, और आज क्योंकि 15 अगस्त है तो लगा हुआ है यहाँ पर काफ़ी कुछ।
तो भाई हमने वहाँ पर सारी चीज़ें देखी, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, हमें कुछ खास फ़र्क नहीं लगा रेट में। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि ये अब हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेते रहेंगे। यहाँ से फ़िलहाल पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। टीवी काफ़ी अच्छे लगे, 75 इंचेस के भी थे, बट हम वापस हो लिए। तो भाई निकले हुए थे सुबह से, तो अब हो लिए कुछ खाने के लिए। एक बहुत अच्छी स्पेशल जगह भैया लेकर जा रहा है मेरे को। और रास्ते में जब हम जा रहे थे तो देखा 15 अगस्त का माहौल था और बहुत अच्छा तिरंगे ट्राई कलर से पूरा का पूरा जालंधर शहर सजा हुआ था और इट वाज लुकिंग वेरी ग्रेट। और आपको बताया ना, तिरंगे को देख कर कैसे अपने मन में मेरे तो सच गहरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब तिरंगे को लहराते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा माहौल बहुत ही पेट्रियोटिक लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लंच कराने हवेली में, ये हवेली है ओरिजिनल। भाई ये बता रहे कि जी जो आप कल गए थे ना वो ओरिजिनल नहीं थी, वो एक होटल्स होते हैं जो बेसिकली हर जगह पे होते हैं, उसका नाम हवेली रख देते हैं, बट ये है जो ओरिजिनल हवेली है। मैं आपको इस बार ये पूरी दिखाने वाली हूँ। और फिलहाल हम पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और हमें जगह नहीं मिल रही, बहुत रश है आगे। तो भाई बहुत रश है, देखिए आप कितना अच्छा है इसका। ये देखिए सारा ग्रीनी, और इसको कहते हैं रंगला पंजाब। ये देखिए यहाँ से हम एंट्री करते हैं, ये पंजाब का सारा व्यू है प्रॉपर। ये देखिए है ना, तो इसी के अंदर ही जो रेस्टोरेंट है उसको वो है प्रॉपर हवेली रेस्टोरेंट, जिसमें अच्छा सब खाने वगैरह रहता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर सब कुछ, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। शॉप्स भी काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर, और ये इन्होंने बाहर भी कुछ फूड का कर रखा है। वहाँ पर कुछ गेम जोन है और यहाँ पर भी इनकी गेम जोन है अच्छी खासी, और यहाँ पर भी ओपन फूड है, बट हम यहाँ नहीं खाने वाले हैं, हम अंदर जाएंगे हवेली में और वहाँ खाएँगे। बट फिलहाल आपको यहाँ का सारा फूड दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। पिक्चर्स दे रहे हैं सब, मज़ेदार सब कुछ, वाओ ग्रेवी कितना अच्छा है। और हम कर रहे हैं अब यहाँ की एंट्री, कहाँ है सारे, देखो कितना अच्छा बना हुआ ना वो ऊपर तक देखो। आज क्योंकि 15 अगस्त है तो बहुत अच्छा सा इन्होंने डेकोरेट भी किया हुआ है सारा ना, क्योंकि 15 अगस्त देखिए बेहद कुछ। और ये चले हम अंदर, थैंक यू। और ये हो गया, और यहाँ तो भाई हर जगह ही रश है, और मुनीम जी भी बैठे और यहाँ बहुत 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 रश है भाई। तो दिस इज़ प्रॉपर हवेली, यू कैन सी दिस। और क्योंकि 15 अगस्त है तो इसलिए इस तरह से ये सारी सजी हुई है, देखिए ट्रेडिशनल, प्योर ट्रेडिशनल फूड। हम नीचे बैठ कर इस तरह से हमारा फूड होगा यहाँ पर, और सब कुछ बहुत सुंदर, वाव। ये साथ ही रहना, घूमने ही हो जाना। देखो अंदर इन्होंने ना ट्रक किया हुआ है, देखिए सारा ट्रक। हमें एक टेबल देना पड़ेगा, मैनेजर से बात करके वो हमें टेबल देंगे, उसके बाद फिर हम वहाँ पर बैठ पाएंगे। यार इतना रश है कि यहाँ टेबल मिलना नामुमकिन सा ही लग रहा है मुझे तो फिलहाल। तो अब क्या करेंगे हम, मुझे बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता क्या होने वाला। और ये सब लोग यहाँ टेबल के लिए ही खड़े हैं। पहली बार भाई के कार्ड का मैंने बेनिफिट उठाया है, और नेवी वालों के लिए ये स्पेशली सीट खाली करवा रहे हैं, तो अब हमें सीट मिल जाएगी। भाई मेरे भाई का कार्ड रंग लाया और हमने अंदर खाना खाया, और अंदर भूख इतनी ज़ोर से लग रही थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, और हम आ गए हैं बाहर। बाहर तारू जिद कर रहा है कि बर्गर खाना है, तो उसको बर्गर दिला रहे हैं हम। देखो किसकी खुशी। और उधर भाभी वेट कर रही है कि कब हम आएँ और हम लोग चलें। तो बस बस अब थारुष को बर्गर खा के फिर आ गया है, और थारुष की शक्ल देख लीजिए, आ हा हा हा, ले लो। हमारे घर की नौटंकी को मिर्ची लग गई है, मुझे लग रही है सिर्फ ऑफिस खाने के लिए से मिर्ची लग रही है। देखो जरा हमारे घर की नौटंकी,
श्री को तो गोलगप्पे खा के मिर्ची लगी है, लेकिन थारूज को चाय पी के लग गई है मिर्ची। देखो जरा तो भाई फिलहाल के लिए मैं ये ब्लॉग खत्म करती हूँ। हमने बहुत मजे किए यहाँ पर और अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।